अरे भाई साहब, धक्का क्यों मारा? अरे गिर जाता तो। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि हमको कोई पुश करता है तो हम उनको कोसते हैं, राइट? लेकिन अगर वो पुश पॉजिटिव पुश हो तो। हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टाइटल है द पुश द इंस्पिरेशन। दोस्तों, ये वीडियो देखते रहिएगा लास्ट तक। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर ये आप वीडियो देखोगे तो आप में भी कोई चेंज आएगा, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगा, आपने आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, राइट? सो प्लीज, अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन प्रेस कीजिए सो देट आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो का। ओके, लेट्स सी द स्टोरी। दोस्तों, एक मदर ईगल अपने 3 बच्चों के साथ एक पहाड़ी के टोच पे रहती थी, राइट? रोज सुबह वो खाना ढूंढने जाती, खाना लेकर आकर उन बच्चों को पिरोसती और बच्चे भी खाना खा के आराम करते हैं। लेकिन उसमें वो 2 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मस्तीखोर थे, हमेशा मस्ती करते रहते थे, झगड़ा करते रहते, एक दूसरे को मारते रहते थे, एक दूसरे पे चिल्लाते रहते थे। और ये जो तीसरा बच्चा है वो बहुत शांत प्रकार था, वो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं आता था। माँ का लाया हुआ खाना खाता और आराम करता, बस यही काम उसका था। और ये 2 बच्चे इतने शरारती थे कि हर बार माँ को पूछते रहते, मम्मी हमको जंप करना है, मम्मी हमको उड़ना है, चलो मुझे हमको उड़ने दो, और माँ हर बार उनको रोक देती थी। एक दिन मदर ईगल खाना लेकर आए, उनको सबको खाना खिलाया उन्होंने, फिर कहा चलो बच्चों आज उड़ने का दिन है, बस कहने की जरूरत थी और वो 2 बच्चे कूद गए और कूदते ही अपने पंख खोले और उनका उड़ान स्टार्ट हो गया, फ्लाइट, राइट? ओ हो, इतने खुश हो गए, चिल्लाने लगे, खुशी के मारे चिल्ला के आवाज कर रहे थे और पूरा पहाड़ी एरिया जो था वो उनकी खुशियों से गूंज उठा। माँ ने देखा कि ये तीसरा बच्चा कहीं हिला नहीं, उसने देखा कि वो कोने में सो रहा है। माँ ने उसको पूछा क्यों नहीं कूदे आप? बोले नहीं, आप रोज खाना लेके आओ, हम खाएंगे और सो जाएंगे, बस हमको ये सब नहीं करना है। माँ ने बोला ठीक है, आराम करने जाओ। माँ तो चुप नहीं रहती, माँ ने एक तरकीब बनाई, वो घोंसले के छेड़े पे आई और नीचे देखने लगी। बच्चा देखे माँ क्या देख रही है, तो उसने पूछा माँ क्या देख रही हो? तो बोले नहीं, वो एक भाई शायद गिर गया है, बस ये बोलने की जरूरत है। बच्चा आके देखने लगा कि क्या हुआ, और वो देख ही रहा था कि मदर ईगल ने पुश कर दिया उसे। बस ओ, इतना जोरों से चिल्लाए, बचाओ बचाओ, मैं मर रहा हूँ, मैं गिर गया, माँ बचाओ, माँ तुमने धक्का दे दिया, माँ बचाओ। ओ बाप रे, मदर ईगल चुपचाप देखते रहे, आधे पहाड़ तक वो गिरता रहा और फिर उसको याद आया कि मेरे पास पंख है, और उसने फड़फड़ाना चालू किया। उसने जैसे अपने पंख को फड़फड़ाए वो ऊपर आने लगा, उसका आश्चर्य हो गया, उसने और जोर से फड़फड़ाया तो वो और ऊपर आने लगा, फिर उसने उसको स्थिर किया तो ग्लाइड करने लगा। बस तीसरे बच्चे ने भी उड़ना सीख लिया, वो इतना खुश हो गया, वो भी अपने 2 भाइयों के साथ मिलके उड़ान में शामिल हो गया। दोस्तों, कैसी लगी ये मोटिवेशनल स्टोरी? दोस्तों, ये पुश से क्या सीख मिलती है हमको, राइट? देर आर 2 टाइप्स ऑफ पुश, एक आपके वेलविशर जो कोच हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आपके कमीने फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये सारे लोग आपके वेलविशर हैं। ये अगर पुश करते हैं तो वो चाहते हैं कि आपकी काबिलियत पा रहा है, वो चाहते हैं कि आप ट्राई करो एक बार, वो चाहते हैं कि आप फाइट बैक करो, वो चाहते हैं आप सक्सेसफुल बनो। और दूसरा, जो वो लोग जो जलते हैं वो आपको जानबूझ के गिराते हैं। अब यहाँ जब कोई आपको जानबूझ के गिराता है, आपको डट के खड़ा होना है, आपको फाइट बैक करना है, आप उनके सामने खड़े होकर दिखाना है, और इसके लिए आपको सिर्फ ट्राई मारनी है और वो ट्राई आपको सक्सेसफुल बनाएगा। जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, वो दोनों के बीच में बहुत फर्क हो जाता है। जो वेल विशर है वो सर उठा के खड़ा रहेगा, और जो जलने वाला है, जो जेलस पीपल है, उसका सर आपो आप नीचे हो जाएगा। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी आपको, राइट? ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट ये नंबर ऑफ पीपल को रीच करें, और वो भी उस ईगल के बच्चे की तरह अपने पंख को फड़फड़ाए, अपनी काबिलियत को जाने और स्वनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट। ओके, थैंक यू फॉर द डे, बाय।